बिहार सरकार जो है युवाओं को जिस तरह से नियुक्ति पत्र जो है सभी विभागों में लगातार जो बहालियां निकल रहा है, तो बिहार के युवा जो हैं बिहार सरकार के कार्य से खुश हैं और बिहार सरकार के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट हैं। चिराग पासवान जी को हम ये कहेंगे कि सबसे पहले संगत से गुण होत है, संगत से गुण होत जात है। चिराग पासवान हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता, वो लोग इस देश इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी वादे किए थे उस वादों के हिसाब से तो खरा नहीं उतरे। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस वादों के हिसाब से बिहार के युवाओं के लिए एकदम खरा उतर रहे हैं, तो उनको तो लगेगा ना कि मोदी जी तो जुमलेबाजी कह के चले गए। हमारे विभाग में आईटीआई में पढ़ाने वाले अनुदेशकों के लिए भी बहाली का निकल गया है, वो प्रक्रियाएं चल रही है। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार में, मैं आपके साथ रूपम। देखिए आज बिहार के मंत्री सुरेंद्र राम आज हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यहाँ पर जनता दरबार लगा हुआ है आरजेडी कार्यालय में। और कितने सर, बहुत स्वागत है आपका लाइव बिहार जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। जनता दरबार यहाँ पे लगा हुआ है, कितने लोग कितनी अपनी समस्याएं लेकर आए हैं और क्या उनकी समस्या का होता है निदान? एकदम बिल्कुल, ये हमारे परम आदरणीय सम्मानीय उप मुख्यमंत्री तेजस्वी बाबू जी का ये राष्ट्रीय जनता दल के जो यहाँ पटना कार्यालय है, राष्ट्रीय कार्यालय है, वहाँ ये जन सुनवाई का कार्यक्रम किया जाता है। यहाँ जन कार्रवाई के कार्यक्रम आप देखे होंगे कि कितना सारे लोग आते हैं और सब लोग जो है यहाँ जो हम लोग डायरेक्ट जो है उनकी समस्याओं को सुनते हैं और सुनने के बाद जो है संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के यहाँ बात भी हम लोग करते हैं और संबंधित विभाग के पदाधिकारियों के यहाँ नियमानुसार कार्रवाई के लिए हम लोग यहाँ से भेजते भी हैं और सब लोग वहाँ जा करके हमारे पदाधिकारी जब भी विभिन्न जिला के जो भी पदाधिकारी हैं चाहे संबंधित पदाधिकारी जो है वो नियमानुसार कार्रवाई करते हैं। उस कार्रवाई से जो फरियादी लोग जो होते हैं, जनता जो होते हैं, वो लोग संतुष्ट भी होते हैं। सर, 2 तारीख को नियुक्ति पत्र बांटा जा रहा है और सभी विपक्षी जो हैं वो हमलावर हो रहे हैं इस नियुक्ति पत्र को लेकर। क्या विपक्षी क्यों हमलावर होते हैं? वो तो हमारे बिहार के जो युवा हैं, जो बिहार के युवाओं के लिए ये तो बहुत अच्छा कार्य किया जा रहा है और हमारे बिहार के जो विद्यार्थी हैं आज जो जिन शिक्षक को जो नियोजन नियुक्ति पत्र दिए जाएंगे तो दोनों के लिए ये तो सुनहरा बिहार का भविष्य, उज्जवल भविष्य आगे ये दिखाई दे रहा है। और बिहार सरकार जो है युवाओं को जिस तरह से नियुक्ति पत्र जो है सभी विभागों में लगातार जो बहालियां निकल रहा है, तो बिहार के युवा जो हैं बिहार सरकार के कार्य से खुश हैं और बिहार सरकार के कार्य से पूर्णतः संतुष्ट हैं। सर, हर मंत्री अपने अपने क्षेत्र से ये निकालते हैं, फॉर्म वगैरह निकालते हैं, वैकेंसियां निकालती हैं, तो आप अपने क्षेत्र से? हमारे विभाग में जो है ना, हमारे विभाग में आईटीआई में पढ़ाने वाले अनुदेशकों के लिए भी बहाली का निकल गया है, वो प्रक्रियाएं चल रही है। और साथ ही साथ हमारे विभाग में जो हम लोगों ने नियोजन कैंप, नियोजन मेला, रोजगार मेला के माध्यम से बिहार के सभी जिलों में हम लोग जो है नियोजन कैंप लगा करके, रोजगार मेला लगा करके कंपनियों के माध्यम से युवाओं को नौकरी दिलाने का हम लोगों ने काम कर रहे हैं। और पिछला वित्तीय वर्ष में हम लोग बता दें कि बिहार के युवाओं को लगभग 70,000 युवाओं को हम लोगों ने कंपनियों के माध्यम से नौकरी दिलाने का हम लोग, रोजगार दिलाने का हम लोग काम किए हैं। और इस साल का लगभग हम लोगों का लक्ष्य है कि इस वित्तीय वर्ष में लगभग 1,00,000 युवाओं को कंपनियों में हम लोग रोजगार दिलाने का काम करें। सर, एक बात है, आज चिराग पासवान का जन्मदिन है और आज के दिन वो अभ्यर्थियों, चिराग पासवान का जन्मदिन है और अभ्यर्थियों का सपोर्ट करते हुए वो कह रहे हैं कि भाई बीपीएससी में जो इस बार नियुक्ति पत्र जो बांटा जा रहा है, जो एग्जाम दिया गया है, जो रिजल्ट आया है, उसमें धांधली भी हुई है और बैकडोर से जो नियुक्ति ली जा रही है। नहीं, चिराग पासवान जी को हम ये कहेंगे कि सबसे पहले
संगत से गुण होत है, संगत से गुण होत जात है। तो जिसके संगत में है उस संगत से बिहार और बिहारियों का जो जिस तरह से यहाँ हमारे नीतीश बाबू की सरकार, हमारे तेजस्वी बाबू की सरकार में जो जैसे कार्य किए जा रहे हैं, तो उस कार्य से बिहार और बिहारियों की भविष्य जो है उज्जवल दिखाई दे रहा है। हमारे जो हमारे जहाँ जहाँ जिस तरह से शिक्षक की बहाली जिस तरह से हुआ है, जिस तरह से बेरोजगार युवाओं को नौकरियां मिला है, उस नौकरियों से ये भी कहा जा रहा है कि मामला कोर्ट तक पहुंचेगा, धुंधली ज्यादा हुई है, रिजल्ट जैसे मन तैसे नीतीश कुमार जी बस दे दिए हैं कि हो सकता है कि विधानसभा पता नहीं भंग करने वाले हैं क्या, कि बस जल्दबाजी। देखिए कहीं ऐसा कहीं कुछ नहीं है, चिराग पासवान हो या फिर बीजेपी के अन्य नेता, वो लोग इस देश इस बात को देख रहे हैं कि जिस तरह से मोदी जी वादे किए थे उस वादों के हिसाब से तो खरा नहीं उतरे, और जिस तरह से हमारे तेजस्वी बाबू वादे जो किए थे, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, हमारे माननीय उप मुख्यमंत्री जी उस वादों के हिसाब से बिहार के युवाओं के लिए एकदम खरा उतर रहे हैं, तो उनको तो लगेगा ना कि मोदी जी तो जुमलेबाजी कह के चले गए, लेकिन यहाँ हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय उप मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में जो बिहार की सरकार चल रही है, युवाओं के विश्वास पर खरा उतर रहे हैं, इसीलिए उन लोगों को ऐसा लग रहा है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए सुरेंद्र राम हमारे साथ जुड़े हुए थे, और जैसा कि नियुक्ति पत्र बट रहा है उस पे कह रहे हैं कि भाई नरेंद्र मोदी खुद तो ये काम करते नहीं है, तो उन लोगों को तो मिर्ची लगेगी। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि हमारे क्षेत्र से भी लगातार इस तरह की वैकेंसियां निकलते भी आई है और आगे भी निकलती रहेगी। चलिए विकलित नहीं बने रहे अप्लाई बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।